सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि जीवन में हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा कि माता की, माँ काली के खूह में मुझे बुलाया माता ने, और बहुत ही सुंदर मार्मिक दृश्य का हमने, जिसको सिनेमा के भाषा में बोले तो प्री क्लाइमेक्स कहते हैं, प्रिक्रिएशन किया। और इस फिल्म के अंदर हमारे बहुत सारे कलाकार थे, उसमें से एक कलाकार हैं जो सेंट्रल किरदार की भूमिका निभा रही हमारी हीरोइन हैं, मधु सिंह राजपूत। उनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूँगा, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी कयामत की अदा होती है। तो बहुत ही सुंदर अभिनय किया है मधु सिंह राजपूत। आइए। हेलो, मैं हमेशा यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं परफेक्ट ही करूँ और बेटर से बेटर दे पाऊँ, और शायद सर को मेरा करेक्टर अच्छा भी लगा, काम भी अच्छा लगा, सर इम्प्रेस है। बेशक यही कहना चाहूँगा कि कलयुग की सीता होगी तो अगर ऐसी ही होगी मधु सिंह राजपूत जैसे, जैसा इन्होंने अनुभव किया है। मैंने अनुभव किया है कि इनका हर एक जो शॉट होता है मेरे से पहले आके पूछती हैं, सर इसमें कितना क्या है नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है एक कलाकार का जिज्ञासा जानकर कि वो कुछ करना चाहती हैं। और हमारा धर्म बनता है कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उनको बताऊं कि आपका किरदार क्या है, आपका अभिनय क्या होना चाहिए, कौन से संवाद के ऊपर कौन सा रिएक्शन होना चाहिए। और इस चीज़ में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडस्ट्री में दूसरी कोई हीरोइन नहीं है जितना सुंदर अभिनय इन्होंने किया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि सर को मेरा किरदार अच्छा लगा, मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, तो बहुत खुशी की बात है कि जिस कैरेक्टर के लिए सर ने मुझे चुना था और उस पर मैं खरी उतरी। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी हमने एक मूवी की थी, तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, काम मतलब कंफर्टेबल है, काम कर रहे हैं और अच्छे इंसान है वो, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। सर और भी कलाकार से मिलवाना चाहें? हाँ, मैं मिलवाना चाहूँगा अपनी चुलबुली बेटी सालू सिंह से, जो इस फिल्म के अंदर बहुत ही सुंदर अभिनय किया है, वो भी एक हीरोइन है। तो सालू आ जाओ बेटा, कहाँ है तू? नटखट है, चुलबुल है थोड़ा। इस फिल्म के अंदर लखन है, उसकी प्रेमिका का रोल किया इसने, बड़ा ही सुंदर काम करती है, थोड़ी चंचलता है इसमें बट गुड। जी, सबसे पहले मुझे देखने वाले मेरे सारे ऑडियंस को हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग, और नमस्कार प्रणाम शालू सिंह की तरफ से, और थैंक यू सो मच पापा मुझे इतना प्यारा इंट्रोड्यूस कराने के लिए, थैंक यू सो मच जी। काफ़ी इमोशनल सीन था पूरी फिल्म का, प्री क्लाइमेक्स था फिल्म का, और काफ़ी इमोशनल सीन था जी। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मैं रियल में जैसी हूँ वैसी ही मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म का जी। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये रोल प्ले करने के लिए, बिकॉज मैं जैसे रियल में हूँ एकदम चुलबुली सी, वैसे ही मेरा इस फिल्म का कैरेक्टर था, एकदम चुलबुला सा और नॉर्मल, बहुत अच्छा कैरेक्टर है और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं जो हूँ वही प्ले कर रही हूँ। बाकी कलाकारों में मैं मधु अवस्थी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो हमारे फिल्म की निर्मात्री भी हैं, निर्मात्री बाद में समझता हूँ मैं, ब्रेक के बाद एक आर्टिस्ट के रूप में बाकई कमाल की कलाकार हैं। हमारी मुलाकात इसी दौरान हुई थी। मधु जी आइए, आपका स्वागत है, थिएटर से जुड़ी है, आकांक्षा रंगमंच चलाती हैं और निशुल्क बच्चों को प्रशिक्षण देती है, तो एक ताली बनता है इनके लिए। थैंक यू सर। मधु अवस्थी जी, सर ने जो इतनी सारी बातें बताई हैं, ये हमारे सर का आशीर्वाद है, उनका स्नेह है, उनका बड़प्पन है, और बस थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करती हूँ, शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ और सबको खुश रख पाऊँ। कहते हैं कोशिश ही कामयाब होती है, और इस फिल्म के माध्यम से एक मैसेज भी है हमारे समाज को जो है, और अपने सारे मतलब आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जो सामने हम आर्टिस्ट दिखते हैं, इसके पीछे जो लोग दिखते नहीं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, चाहे वो हमारे स्पॉट बॉय हों, हमारे टेक्नीसियन हों, ऑल ओवर जितने भी मेरी पूरी टीम है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, सब बहुत ही अच्छे हैं, और जो हमें दिखते नहीं हैं शायद वो ही हमारी फिल्म को बहुत ऊँचे तक ले जाते हैं। यदि उनका सहयोग ना हो तो हम शायद ये ऐसा काम, इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकते हैं बिना उनके सहयोग के।